सलोनी हत्याकांड को लेकर जयराम ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पीड़ित परिवार से मिलने के लिए हमसे पहले आना चाहिए था। सीएम या हमारे आने से मनोहर वापस नहीं आ सकता है, लेकिन परिवार को शांति मिलती। बहुत सी घटनाएं ऐसी होती है जिसे कांग्रेस सरकारें हल्के में लेती है। गुड़िया केस को भी हल्के में लिया गया था। भाजपा ने गुड़िया मामले की जाँच सीबीआई से करवाई और आज दोषी सलाखों के पीछे है। चंबा में हुए हत्याकांड की एनआईए जाँच होने से देश में बहुत बड़ा संदेश जाएगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बंदल सहित भाजपा नेताओं को शुक्रवार को पुलिस द्वारा सलोनी उपमंडल के थरोली गांव में मृतक मनोहर के घर सांत्वना देने के लिए जाने से पुलिस ने बीच राह में रोक लिया। इसको लेकर भाजपाइयों ने सड़क पर बैठकर भजन कीर्तन कर अपना विरोध जताया है। डॉक्टर बिंदल का कहना है कि हमने प्रशासन को कहा है कि अगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस परिवार के पास चले गए होते तो हमें लगता कि प्रदेश का कोई बड़ा व्यक्ति गया है, पर प्रशासन ने हमें जाने नहीं दिया। इसलिए भाजपा ने तय किया है कि हम कल 17 जून को प्रदेश के सभी 12 जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन का आयोजन भी करेंगे और डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से राज्यपाल को इस हत्याकांड को लेकर एक ज्ञापन भी भेजेंगे। हिमाचल में अभी हर वर्ष लगभग 3 करोड़ टूरिस्ट प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पहुंच रहे हैं। इनकी संख्या अगले 5 साल में 5 करोड़ तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई टूरिज्म पॉलिसी बनाई जाएगी। पॉलिसी में प्रदेश के अनछुए पर्यटन स्थलों को बढ़ावा दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हिंदू युवक की हत्या मामले में अब राजनीति शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने कल प्रदेश के सभी जिलों में प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। बजरंग दल ने भी आज चंबा डीसी ऑफिस के बाहर जमकर प्रदर्शन कर इस पर प्रदेश के बागवानी एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह ने कहा है कि मनोहर लाल की हत्या के सभी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को इंसाफ भी मिलेगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में 25% से कम परिणाम देने वाले शिक्षकों पर अब कार्रवाई की जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने स्कूल शिक्षा बोर्ड से परीक्षा परिणाम की स्कूल आधार पर जानकारी मांगी है। 80% से 100% तक परिणाम देने वाले स्कूलों के शिक्षकों को सम्मानित भी किया जाएगा। कुल्लू के निर्मंड उपमंडल स्थित श्रीखंड महादेव की यात्रा शुरू होने से पहले ही लोग चोरी छिपे वहां दर्शन के लिए जा रहे हैं। मार्ग पर इस वर्ष हुई भारी बर्फबारी के कारण जगह जगह ग्लेशियर जमे हैं, जिस कारण यात्रा करना जोखिम भरा बन चुका है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से करवाई जाने वाली श्रीखंड महादेव की यात्रा आधिकारिक रूप से 7 से 20 जुलाई तक होने वाली है। विश्व हिंदू परिषद हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष लेखराज राणा ने चंबा जिला के सलूनी में हुए हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर अपराधियों को मृत्युदंड की मांग प्रदेश सरकार से की है। हमीरपुर में जारी एक प्रेस बयान में उन्होंने कहा है कि न्याय में देरी होने से अपराधियों के बच निकलने की संभावना रहती है, ऐसे में एनआईए जांच की आवश्यकता दिखती है। चंबा में प्रशासन का मौन स्वयं प्रश्न चिन्ह के दायरे में है। जेबीटी डीएलएड बेरोजगार प्रशिक्षु संघ अपनी मांगों को लेकर लगातार दूसरे दिन कक्षाओं का बहिष्कार कर मंडी के सेरी चांदनी कर प्रदेश सरकार के खिलाफ खूब गर्जे हैं। संघ का मानना है कि बीएड को जेबीटी टैग से बाहर नहीं किया जाता तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। शुक्रवार को इस धरना प्रदर्शन में जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान मंडी, करिश्मा कॉलेज, अभिलाषी कॉलेज और अन्य संस्थानों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया है। सतलुज पेयजल प्रोजेक्ट के कार्य की रफ्तार को देखते हुए मई 2025 तक सतलुज का पानी शिमला लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 22 किलोमीटर लंबी पेयजल लाइन बिछनी है, जिसमें अब तक 7.2 किलोमीटर यानी कि 7200 मीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। मशीनों की मदद से पेयजल लाइन बिछाने का काम चल रहा है। पहले चरण में देवीधार से दवाड़ा के लिए करीब 6 किलोमीटर लंबी पेयजल लाइन बिछाने का काम पूरा कर लिया गया है। गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से भारी तबाही के बाद अब हिमाचल के लोगों को भी इसका प्रकोप झेलना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने प्रदेशवासियों को अलर्ट कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र पाल ने बताया है कि हिमाचल में बिपरजॉय का असर 18 और 19 जून को दिख सकता है।